तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप आधार कार्ड बनवाते समय या फिर आधार कार्ड में किसी प्रकार का चेंजेस करते समय अगर मोबाइल नंबर नहीं दिए होंगे तो आप ऑनलाइन जो है अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर सकते हैं। कि इसके लिए क्या करना होगा कि आपको आपके नज़दीकी आधार अपडेट सेंटर में जाना होगा और वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप करना होगा और उसको वहाँ पर देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपके नज़दीकी आधार अपडेट सेंटर कहाँ पर हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे UIDAI। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट में लिंक आपको मिलेगा UAIDAI का, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है UIDAI का ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम लोग होम पेज पर हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए इस तरह से नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट आधार एट इनरोलमेंट अपडेट सेंटर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है एक नया पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। पहला जो है स्टेट के द्वारा आप देख सकते हैं कि आपके नज़दीकी आधार अपडेट सेंटर जो है कहाँ पर है, और दूसरा जो है पोस्टल कोड के द्वारा आप देख सकते हैं, और तीसरा जो है सर्च के द्वारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेट के द्वारा देखेंगे। तो हम लोग इस पर स्टेट पर क्लिक करते हैं और स्टेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया पेज जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबसे पहले दिया हुआ है कि स्टेट सेलेक्ट करें। तो यहाँ से हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर विलेज सिटी या फिर टाउन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सो ओनली परमानेंट सेंटर्स, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है तो कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर लोकेट अ सेंटर के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक नया पेज जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दो एड्रेस दिया हुआ है, मतलब कि दो आधार अपडेट सेंटर्स की एड्रेस दिया हुआ है। पहला जो है यहाँ पर ICICI बैंक का है और दूसरा यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक का है। तो यहाँ पर इन दो जगह पर मेरे नज़दीकी में जो है आधार अपडेट सेंटर है और यहाँ पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह पर एड्रेस दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप भी चेक कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी में कौन सा आधार अपडेट सेंटर है और वहाँ पर जो है आप एक फॉर्म फिलअप करके अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए।